आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कैसे आप Oppo F27 Pro Plus में आप म्यूजिक रिंगटोन सेट कैसे कर सकते हैं। अगर आप रिंगटोन में म्यूजिक लगाना चाहते हैं तो कैसे लगा सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आए तो मेरा गाना बजे तो भी आप कैसे सेट कर सकते हैं, यानी कि नोटिफिकेशन टोन में भी आप म्यूजिक सेट कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ, चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और नीचे तो अपने फोन डिस्प्ले सिंपली सेटिंग्स पे आ जाने की, आने पर नीचे स्क्रॉल किया जाएगा तो एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा साउंड एंड वाइब्रेशन करके, तो साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो नीचे स्क्रॉल किया जाएगा तो एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा रिंगटोन का, तो रिंगटोन पे क्लिक कीजिए। रिंगटोन पे क्लिक कीजिएगा तो ऊपर में यहाँ पे सिम 1 और सिम 2 शो होगा अगर आप दो सिम यूज़ कर रहे हैं तो सिंपली अगर आप इसमें म्यूजिक लगाना चाहते हैं पहले से आपको जनरली नॉर्मल जो फ़ोन में रहता है वो आपको रहेगा, देख पा रहा हूँ, तो इस तरह से इसमें म्यूजिक सेट करना चाहते हैं तो ऑन दिस डिवाइस पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप म्यूजिक सुन लीजिए जो भी आपका म्यूजिक चुना है, इसके यहाँ पे एक म्यूजिक ले लीजिए, ये वाला म्यूजिक हो गया। और सिम टू सिम अगर सिम टू में करना चाहते हैं सिम टू पे क्लिक कीजिए, और जो भी सिम वन में सेट किए हो वही सिम टू में सेट करना चाहते हैं तो सिंपली सिम एज सिम वन इसे इनेबल कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि सिम टू में मुझे कोई और रिंगटोन जो और म्यूजिक लगाना है तो ऑन दिस डिवाइस पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे देख लीजिए सॉन्ग सिलेक्ट कर लीजिए, देख सकते हैं इस तरह यहाँ पे साउंड सेटिंग्स कर सकते हैं। तो ये तो हो गया रिंगटोन लगाने की। अब बताता हूँ कि यहाँ पे नोटिफिकेशन टोन में भी आप कैसे म्यूजिक लगा सकते हैं, तो नोटिफिकेशन टोन पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑन दिस डिवाइस पे क्लिक कीजिए और इसमें भी आपको म्यूजिक लगाना है तो आप लगा सकते हैं, जैसे कि देख लीजिए या फिर ये वाला म्यूजिक जो भी आप सेट करना चाहते हैं इस तरह से यहाँ पे म्यूजिक सेट कर सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पे अपनी रिंगटोन सेट कर सकते हैं ओप्पो F27 Pro Plus में। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा।